नमस्कार, मैं सुषमा झारखंड टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। रांची प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन झारखंड इकाई के अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से निजी स्कूलों को सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इस संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी तथा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को भी कॉपी भेजकर आग्रह किया है कि उन्हें पत्र लिखने में महारत हासिल है। इसीलिए झारखंड के निजी स्कूलों, वहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं तथा अभिभावकों तथा शिक्षकों एवं बाकी कर्मियों के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार से मदद दिलाने में सहयोग करें। आलोक कुमार दुबे ने कहा कि कोरोना वायरस से उत्पन्न वैश्विक महामारी के इस संकट के कारण झारखंड के कई निजी विद्यालय बंदी के कगार पर आ गए हैं। इन विद्यालयों के सभी संचालक पिछले 3-4 महीनों से आर्थिक और मानसिक संकट से घिरे हुए हैं। संचालकों को बार बार यह डर सता रहा है कि अधिकतर निजी विद्यालय जो किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं, बंदी के कारण इन विद्यालयों का किराया और विद्युत बिल की राशि, बैंकों का कर्ज, वाहनों का टैक्स आदि की भरपाई कैसे और किस फंड से किया जाए, यह मुश्किल खड़ी हो गई है। आलोक कुमार दुबे ने कहा कि दूसरी तरफ सरकार या प्रशासन निजी विद्यालयों के भवनों, फर्नीचर, शौचालय, चुनाव के मैदान की जरूरत, प्रतियोगी परीक्षाओं को संचालित करने या क्वारंटाइन सेंटर बनाने आदि की जरूरत पड़ने पर लेती है। इस परिस्थिति में भी निजी विद्यालय अपने यहाँ पठन पाठन को स्थगित कर सरकार की भरपूर मदद करने में कोई चूक नहीं करते। निजी विद्यालयों का सारा दारोमदार विद्यालय के अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता पिता एवं अभिभावकों के द्वारा फीस के भुगतान पर ही निर्भर करता है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी का सबब यह है कि पिछले 3-4 महीनों से अधिकतर विद्यार्थियों के अभिभावक निजी विद्यालयों को कोई भुगतान नहीं कर रहे हैं। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री से प्रार्थना है कि शिक्षा दीक्षा पर ध्यान केंद्रित कर देश के सभी निजी ITI की कॉलेजों को जिस तरह से केंद्रीय सहायता की मंजूरी प्रदान की है, वैसे ही भारत के सभी निजी विद्यालयों को इस आपदा की खड़ी में केंद्रीय सहायता देने पर विचार करें, जिससे भारत में लाखों की संख्या में संचालित निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों और इन स्कूलों में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिकाओं तथा कर्मियों तथा उनके परिजनों का कल्याण हो सके। झारखंड के खबरों से अपडेट रहने के लिए झारखंड TV को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है, क्या मांग? देखिए, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का मुझे झारखंड प्रदेश का चेयरमैन बनाया गया है। उसके बाद से 3 दिन हुए हैं, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि स्कूल और अभिभावक और छात्रों के बीच में एक सामंजस्य की स्थिति बनाई जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाइल अहमद जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, उसी के आलोक में हमने भी जो है प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि यहाँ 20,000 से ज़्यादा निजी विद्यालय, 5 लाख से ज़्यादा शिक्षक और कर्मचारी हैं और 20 लाख से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे, तो इनका ध्यान जो है प्रधानमंत्री जी को आकृष्ट कराया कि अभी संकट का समय है, अभिभावक बच्चों का फीस देने में असमर्थ हैं, फीस नहीं दे पा रहे हैं पिछले 3-4 महीनों से, स्कूल अपने शिक्षक और कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही है, एक मानसिक परेशानी से गुजर रही है पूरा निजी विद्यालय, बंदी के कगार पर खड़े हो गए हैं। तो जो विद्यालय के टैक्स हैं, जैसे पानी का टैक्स है, बिजली के टैक्स हैं, EMI है, स्कूल के भवनों का जो किराया पर चल रहे हैं, जो गाड़ियां हैं उसका EMI है, तो सरकार उसका टैक्स माफ़ करे। और ITI को केंद्र सरकार ने सहायता देने की बात कही है, तो हमारा भी कहना है कि आप हमारे झारखंड के विद्यालयों को सीधा आप मदद पहुंचाएं, और जो 25% गरीब बच्चे वहां पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ाई जो करनी है उसका भी पैसा आप रोक के रखें, वो पैसा भी दीजिए स्कूलों को, बच्चों को, ताकि अपने हिसाब से वो बच्चे पढ़ा सकें। तो ये हमने डिमांड किया, और साथ ही साथ हमने इसकी कॉपी माननीय बाबूलाल मरांडी जी को भी दिया है, भाजपा विधायक दल के नेता को, और साथ ही साथ जो है हमने BJP के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी को भी चिट्ठी दिया कि आप लोग बहुत चिट्ठी खेलते हैं, बहुत चिट्ठी लिखते हैं आप लोग, तो ये चिट्ठी जरा प्रधानमंत्री जी को पहुँचाएँ और निवेदन करें कि झारखंड का 20,000 निजी विद्यालय आज बंदी के कगार पर खड़ा है, उनके पास समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक परेशान हैं,
तो आप जो है दिल खोल करके उदारता पूर्वक लॉकडाउन के समय आप मदद करें स्कूलों को, सीधा पैसा भेजने का काम करें ताकि स्कूल संचालित हो सके, बंद न हो सके और बच्चे, शिक्षक, कर्मचारी सबको जो है राहत मिल सके। ऐसा पत्र हमने आज प्रधानमंत्री जी को लिखा है।